तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आया हूँ बैंड स्टैंड, और सलमान खान, शाहरुख खान, इन सब का घर भी बैंड स्टैंड में ही है, और बैंड स्टैंड में कुछ घूमने वाली जगह भी है। तो चलिए मैं आपको वहाँ ले के चलता हूँ और दिखाता हूँ बैंड स्टैंड। तो बने रहिए, चलिए मैं आ गया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ बैंड स्टैंड कैसा दिखता है, कैसा है। और ये काफ़ी अच्छा है मुंबई में। अगर आप आए हैं तो मुंबई में बिना घूमे बैंड स्टैंड अगर नहीं आए आप, तो फिर मुंबई का सबसे अच्छा नज़ारा आपने नहीं देखा। यहाँ बहुत सारी फिल्में हैं, बहुत कुछ शूटिंग्स भी हुई हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बैंड स्टैंड। तो देखिए, ये है बैंड स्टैंड का सामने का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत है। और ये है एक, आपको पहले मैं इससे रूबरू करा देता हूँ, ये है एक मिनी थिएटर, माँ कह सकते हैं। मतलब परफॉर्मेंस तो नहीं होती है, लेकिन एक अच्छा बैठने वाला है, ऑडियंस बैठने वाला है। और यहाँ पे बहुत सारे आर्टिस्ट परफॉर्म भी करते हैं ऐसे। ये है थिएटर, मिनी थिएटर मतलब खुला वाला थिएटर जो है होता है वो है। और ये दर्शकों का प्रेक्षागृह है जो बहुत अच्छा बनाया गया है। और ये है प्लेटफॉर्म, ये छोटा सा है खुला हुआ। अब मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ। देखो भाई, ये है बैंड स्टैंड का पूरा नज़ारा। मतलब ये सबसे ऊपर में आके बैंड स्टैंड आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाकी मैं आपको नीचे चल के भी दिखाता हूँ बैंड स्टैंड। क्या मतलब गजब का नज़ारा है भाई, देख सकते हैं। मैं सबसे ऊपर आया हूँ पहाड़ के ऊपर, और जैसे नीचे जाऊँगा आपको दिखाऊँगा मैं। तो चलिए चलते हैं, एक फ़ोटो ले लेता हूँ, उसके बाद चलते हैं। तो देख रहे हैं भाई, क्या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यार, काफ़ी मतलब काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है, बेहतरीन, बहुत ही आकर्षक यार, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ क्या बिल्डिंगें हैं, क्या नज़ारे हैं। मुंबई को ख़ास बनाती है ऊंची ऊंची इमारतें, देख रहे हैं क्या ऊंची ऊंची इमारतें, ऊंची इमारतें तो दिल को घायल कर देती है। अब चलिए हम चलते हैं नीचे। और ये है दादर वर्ली सी लिंक, जो कनेक्ट करता है दादर को और बांद्रा, दादर मतलब दादर से बांद्रा को कनेक्ट करता है। और ये वर्ली सी लिंक है, देखिए। काफ़ी बेहतरीन नज़र है भाई, देखिए देखो यार। अरे दो मिनट रुको, आपको दिखेंगी रोमांस के कुछ पल, दिखाता हूँ। देख रहे हैं आप रोमांस के ये पल, देखिए है। तो चलिए अब हम नीचे चलते हैं, और नीचे चल के आपको दिखाते हैं नीचे का नज़ारा, और काफ़ी खूबसूरत भाई नज़ारा है यहाँ का। तो चलिए आपको दिखाता हूँ नीचे जाते हुए नज़ारा, देखिए क्या नज़ारा है नीचे। मैं अभी सबसे टॉप पे था, ऊपर था पहाड़ों पे, और ये मैं नीचे जा रहा हूँ। काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है भाई यहाँ पे, क्या नज़ारा है यहाँ का। तो देख रहे हैं क्या खूबसूरत नज़ारा है, क्या गार्डन। और ये हमारा हो गया होटल है, टाटा का होटल है, ताज होटल, जो एक ताज होटल है आपको गेटवे ऑफ इंडिया, और एक दूसरा ये टाटा का ही है ताज होटल।
और ताज होटल के ठीक सामने दिख रहे हैं। क्या बैंड स्टैंड का नज़ारा है भाई। आप मुंबई आए और बैंड यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई हैं। आप मूवी देखे होंगे तो आपको पता ही चलेगा। मुझे मूवी का भी तो नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सारी मैंने मूवी का शूट यहाँ देखा है, बहुत सारी फिल्मों में भी देखा है मैंने। और ये हमारी वर्ली सीलिंग है, जो मतलब काफ़ी अच्छी तो लुक देती है यहाँ से। तो चलिए अब चलते हैं, हम आए हैं भाई, तो अब हम चलेंगे सलमान खान के और शाहरुख खान के साइड में, वहाँ चल के आपको दिखाते हैं, बने रहिए। चलिए अब आपको और नीचे लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। मेरा दिल चुराने वाली, देखिए हम आ गए नीचे और यहाँ से भी नज़ारा आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ से भी काफ़ी खूबसूरत बेहतरीन नज़ारा है। चलिए हम आपको दिखाते हैं बाहर का नज़ारा, दिखाते हैं बाहर, दिखाते हैं आपको बाहर का नज़ारा, एकदम नीचे से समुद्र का दर्शन कराते हैं आपका, आपको समुद्र के दर्शन कराएंगे। देखिए पास से समुद्र का पानी देखेंगे कैसा, जूता पहन के आओ, ये तो नहीं जा सकता, लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है, हम बाहर आ गए अभी और बाहर आके समुद्र के किनारे जाएंगे। ये देख रहे हैं भाई समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें, ठंडी ठंडी हवाएं, क्या खूबसूरत बनाती है इस मुंबई को। मुंबई को सबसे खूबसूरत बनाने में अगर किसी का हाथ है तो समुद्र, और उसके बाद है बॉलीवुड, उसके बाद है रईस लोग। देखिए हम आ गए हैं नीचे, देख रहे हैं क्या नज़ारे हैं भाई।